क्या डिमांड रहेगा सर आस्किंग प्राइस, एकदम फुल एंड फाइनल, कोई डिस्काउंट नहीं? अगर डिस्काउंट नहीं करके बात करें भैया, क्या है इसका मिनिमम डिमांड आपके पास? आज हम लोग ने इसका डिमांड रखा हुआ है भैया, यस और नो प्राइस जो होता है। क्या डिमांड है सर इसका? डिमांड आज हमारा इसमें रहने वाला है मोंटी भैया 3,60,000 रुपए का। 3,60,000। और रेट जो हम लोग इसमें देने वाले मोंटी भैया वो काफी अट्रैक्टिव रेट देंगे जी सर, मात्र 1,30,000 में। ये आप इसका एसी वेंट्स देख सकते हैं मोंटी भैया, काफी मतलब लग्जरियस गाड़ी है। ये आप देख पा रहे होंगे अगर वहां से आपको दिख रहा है तो। अच्छा अच्छा दिख रहा है। ये सारा एडजस्टिंग आपका जो भी दिया हुआ है सारा इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है। फर्स्ट ओनरशिप में ये भी गाड़ी है और गाड़ी की सबसे खास बात ये है कि 45,000 विद रिकॉर्ड चली हुई गाड़ी है। 45,000 किलोमीटर जी, वाह। बोलेरो में 45,000 मतलब ना के ही बराबर है वो। और क्या डिमांड है सर? डिमांड आज हमारा इसमें रहने वाला है लगभग 11.5 लाख रुपए का, जो कि लगभग फाइनल रेट है अपने व्यूअर्स के लिए। क्या डिमांड है सर इसका? प्राइस हमारा फाइनल होगा इसमें 25 और आप लोग का प्यार मोहब्बत की वजह से आज जो गाड़ियों का कलेक्शन है 25 प्लस दिखाऊंगा, प्लस लग्जरी गाड़ी, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी एंड जो आपका मनपसंद थार है और स्कॉर्पियो लवर है। आइए आपको और कुछ कुछ दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे क्रेटा हो गया, i20 हो गया, बलेनो हो गया, स्विफ्ट डिजायर हो गया, बहुत सारी गाड़ी, ईको भी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास एक लगी हुई ब्लैक कोबरा। शौक हो गया ना, झारखंड में पहली बार दिखाने वाला हूँ इसी चैनल पे, इसलिए बोलते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को प्यारा सा एक लाइक करिए, क्योंकि इस बार कलेक्शन और प्राइस सबसे हट के मिलेगा। आइए मिलवाते हैं यहाँ से सौरभ और ऋषभ भैया से। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस बार क्या मतलब कहना चाह रहे हैं आप लोग, क्या दिखाना चाह रहे हैं? एकदम जबरदस्त माहौल बना दिया। ये जो गाड़ियों का कलेक्शन अभी आप लोग देख रहे हैं, आप देखो जहाँ दूर दूर तक नजर जाएगा वहाँ वहाँ तक आपको गाड़ी ही गाड़ी दिखेगा। तो सर क्या प्लान बन गया अचानक लग्जरी गाड़ी लेके आ गए? कुछ गाड़ियाँ नई नई आई थी हमारे पास और एक गाड़ी आई थी प्रीमियम में जैगुआर। अच्छा, तो हमने सोचा कि आपको बुला लेते हैं और कस्टमर तक ये वीडियो पहुंचा देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। पिछले बार वीडियो का रिस्पांस कैसा रहा था? बहुत अच्छा रहा था, सब गाड़ियाँ निकल गई थी लगभग। क्या बात है, आज क्या धमाल मचाने वाले हैं हमारे ऑडियंस के लिए? आज सारे बजट में गाड़ियाँ देंगे हम लोग, मिक्स सेगमेंट में, थार आपको, स्कॉर्पियो, जैसा कि ब्लैक स्कॉर्पियो का डिमांड रहता है, सारा गाड़ी लगभग आप रहने का कोशिश किए हम लोग इस बार। चलिए तो वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोग से पूछना चाहेंगे। जैसे कि बहुत से लोग बाहर के लोग कॉल करते हैं कि भाई हमें गाड़ी चाहिए, तो उसके बारे में आप लोग का क्या कहना है? जैसे अदर स्टेट के जो आप लोग बोलते हैं हमें कॉल करके, भैया बाहर के लोग बहुत कॉल करते हैं। मोटी भैया बात इस टाइप का है ना कि बाहर से कॉल तो बहुत ज़्यादा आता है लेकिन विजिट बहुत कम होता है जी। तो कहना चाहेंगे व्यूअर्स को कि अगर आप लोग बाहर से देख रहे हैं इस वीडियो को, झारखंड के बाहर से देख रहे हैं, तो अगर आप गाड़ी लेने के लिए इच्छुक है तो एक बार जरूर विजिट करिए और विजिट करने के बाद उस गाड़ी को डील करिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फोटोज लेके और वीडियो में आपको कुछ गाड़ी समझ में नहीं आएगा, हम लोग यहाँ पे डिटेल बता सकते हैं। फिजिकली जब तक आप आके गाड़ी को नहीं देखिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा उसका कंडीशन, क्योंकि आपके पास 24 घंटा कॉल आता होगा मेरे बिल्कुल, ख्याल से। बिल्कुल, और सब कहते होंगे कि फोटो भेज दीजिए, जो कि वीडियो बना के हर कॉल पे लास्ट का डिमांड यही रहता है कि फोटो भेज दीजिए। तो देखिए फोटो पॉसिबल नहीं है और टाइम भी नहीं रहता, गाड़ी तो आपको हम लोग दिखा रहे लाइव वीडियो में कि गाड़ी का कंडीशन कैसा है। तो जो बाहर से अगर लेना चाहते हैं तो बाहर से डील नहीं होता, अगर आप लेने का मन बना के रखें तो आप आइए रांची झारखंड में रातू चट्टी में। एड्रेस बता दे रहा हूँ, AR ऑटो डील्स, ऐसे गूगल में मारिएगा
आप सर्च करिएगा एओआर ऑटो डील्स, आपको दिख जाएगा। तो पहली गाड़ी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं देखने के लिए? आज हम लोग भैया सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास ब्लैक कलर की थार है, हाँ, उससे, वहाँ से जी। आइए लेके चलते हैं थार की तरफ, क्या डिटेल होने वाली है, फाइनेंस फैसिलिटी के बारे में थोड़ा बता दीजिए चलते चलते। फाइनेंस हमारा ऑल ओवर पैन इंडिया अवेलेबल है। अच्छा। जैसा कि आप पहले भी वीडियो में बताया हुआ रहता है जी जी, और हम लोग ऑल ओवर इंडिया फाइनेंस कर देते हैं, काफी इजी और काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जी। पहली गाड़ी हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं जो थार, तो क्या डिटेल होगा सर इसका? थार आ गई है भैया हमारे पास 2021 की रांची नंबर गाड़ी जी। गाड़ी बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है। गाड़ी में लगभग आप जैसा कि देख रहे होंगे ऑल ओवर एसेसरीज जो है इसमें लगभग 150,000 का एसेसरीज लगा हुआ है गाड़ी में, हेडलाइट, टेल लाइट और गाड़ी का इंटीरियर, स्पीकर, बेस ट्यूब जी। मतलब आप जहाँ से देखिए गाड़ी को सारा चीज कंप्लीट किया हुआ है, मतलब लेने के बाद मॉडिफिकेशन नहीं कराना है, कुछ नहीं करना है इसके बाद, इससे ज्यादा मॉडिफिकेशन आपको थार में नहीं मिलेगा जी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऊपर में लाइट वगैरह ऊपर में लगा हुआ है, सारा एम्बियंट लाइटिंग वगैरह, ऊपर का लाइट वगैरह सारा चीज कंप्लीट किया हुआ है। पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट में, फुल ओरिजिनल पेंट में, डेंट पेंट कुछ ऐसा शिकायत? कोई शिकायत नहीं भैया, सब चीज ओरिजिनल है। ये मॉडल हो जा रही है सर, मॉडल 2021 जी, 39,000 विथ रिकॉर्ड चली हुई गाड़ी है। ओके, और ओनर की बात करें तो सेकेंड ओनरशिप में गाड़ी है, सेकेंड ओनरशिप में। ओके, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपको इसमें मिल जाएगा रनिंग, फर्स्ट पार्टी जी, 63,000 का इंश्योरेंस, 63,000 का बस इंश्योरेंस किया हुआ है इस पर। अच्छा, बम्पर टू बम्पर इंश्योर्ड गाड़ी है। तो अगर कोई इंटरेस्ट है कि आपको ऐसा थार लेना है कि जो कि मॉडिफाई करने का जरूरत ना पड़े, तो एआर ऑटो डील में आके ले सकते हैं। क्या डिमांड रहेगा सर, आस्किंग प्राइस एकदम फुल एंड फाइनल, कोई डिस्काउंट नहीं? अगर डिस्काउंट नहीं करके बात करें भैया तो हमारा फाइनल इसमें प्राइस रहेगा 13,30,000 रुपए का, 13,30,000 फाइनल विदाउट लोन। कितना करा दीजिएगा लोन? इसमें हम 15,00,000 के आसपास गाड़ी का आईडीवी वैल्यू है, तो लगभग अगर प्रोफाइल बढ़िया है और सिविल अगर आप बढ़िया दे रहे हैं, पेपर सारा ओके दे रहे हैं, तो हम 100% भी फंडिंग इसमें करवा देंगे। क्या बात है। तो नेक्स्ट आ गया सर स्कॉर्पियो, कौन सी स्कॉर्पियो है सर? स्कॉर्पियो की S11 क्लासिक है, टॉप मॉडल, जो नई वाली अभी स्कॉर्पियो आई है। अच्छा अच्छा। 2022 में अक्टूबर की गाड़ी है ये, और फर्स्ट ओनरशिप में गाड़ी, 20,000 किलोमीटर विथ सर्विस रिकॉर्ड ये चली हुई है, ओनली 20,000। अच्छा, आप गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हैं, एक्सटीरियर देख सकते हैं, कोई भी एक पैनल भी आपको इसमें पेंट या स्क्रैच टचअप नहीं मिलेगा। अच्छा, बम्पर टू बम्पर फुल ओरिजिनल गाड़ी आपको मिलेगी। ओके, गाड़ी चल चुकी है सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली हुई, ऑनर फर्स्ट है, फर्स्ट ऑनर 20,000 किलोमीटर चली हुई। जनरली स्कॉर्पियो हमारे पास बहुत कम आती है, फर्स्ट ओनरशिप में आपको ये ब्लैक ब्यूटी। आप जो भी देख रहे हैं भैया, हम बोलना चाहेंगे कि आपको विथ रिकॉर्ड हम चला हुआ आपको प्रूफ करके देंगे। आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं तो आप बोलिएगा कि स्कॉर्पियो 20,000 किलोमीटर चला हुआ कैसे आ गया सेल में, तो सेल में आया है और आपके लिए ही आया है। अच्छा, और आपको विथ रिकॉर्ड हम सर्टिफाई करके गाड़ी देंगे। क्या डिमांड है सर इसका? प्राइस की बात करें तो हमारा फाइनल प्राइस इसमें होगा 15,70,000 के आसपास, 15,70,000 जी। लोन इसमें लमसम कितना हो जाएगा सर? लोन इसमें प्रोफाइल अच्छा रहा आपको तो 12,00,000 के आसपास लोन हो जाएगा। चलिए क्या बात है। आइए देखते हैं एक और स्कॉर्पियो, ये भी S11 है ना जी? ये भी S11 है मोंटी भैया जी, इसके बारे में बताइएगा क्या डिटेल होगा सर? रांची नंबर, फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस अवेलेबल, फुल ओरिजिनल पेंट में गाड़ी, कहीं से कोई एक्सपेंस लेने के बात करने का आवश्यकता नहीं है गाड़ी पे। किलोमीटर गाड़ी की किलोमीटर जो है वो लगभग 54,000 के आसपास चली हुई है, 54,000 किलोमीटर चला हुआ। ओनर गाड़ी का रहेगा? फर्स्ट ओनर। कोई गाड़ी में डेंट पेंट फॉल्ट वगैरह एक्सीडेंटल वगैरह? फुल ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है भैया। अच्छे, और मतलब आप देख ही पा रहे हैं कि कहीं से कुछ इसमें करने का या कुछ एक्स्ट्रा करने का आवश्यकता नहीं है। क्या है इसका आपका डिमांड? 2020 में लास्ट की गाड़ी, रांची नंबर, प्राइस अगर इसमें बात करें तो हम लोग लास्ट इसका फाइनल प्राइस अगर रखेंगे तो 13,20,000 रुपए का, 13,20,000 जी, जो कि लगभग फाइनल रेट है, उसमें नेगोशिएशन नहीं होगा। ओके, एक और आ गया सर ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो, ये भी रांची नंबर गाड़ी है, तो इसके बारे में क्या डिटेल होगा सर? पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है, ये इसका बम्पर छोड़ के बाकी पूरी गाड़ी आपको ओरिजिनल पेंट में मिलेगी। बम्पर अच्छा। में स्क्रैचेस थे तो हमने वो करा दिए पेंट। अच्छा अच्छा। और गाड़ी ये भी विद सर्विस रिकॉर्ड चली है 76,000 किलोमीटर, टायर चारों आपको ब्रांड न्यू मिल जाएंगे इसमें। ओके, एसेसरीज जो हो सकता था वो लगा हुआ है, सीट कवर्स वगैरह आपको फ्रेश मिल जाएंगे। ओके, और गाड़ी में किसी प्रकार का कोई काम आपको नहीं है। दूसरी एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जैसे किन्हीं किन्हीं का व्यूअर्स का कमेंट आता है कि गाड़ी महंगी है या फिर, तो गाड़ी का प्राइस और कंडीशन जैसा है, कंडीशन के हिसाब से गाड़ी का प्राइस होता है जी। तो आप अगर ऊंची मॉडल की गाड़ियां ले रहे हैं तो आपको प्राइस भी थोड़ा ऊंचा लगेगा और मॉडल पे प्राइस फिक्स होता है सभी। क्या डिमांड है सर इसका? प्राइस हमारा फाइनल होगा इसमें 12,11,000 का,
12,11,000 रुपए। तो नेक्स्ट आ गए भैया क्रेटा की तरफ, इसका क्या डिटेल होगा सर? क्रेटा बिल्कुल मिंट कंडीशन में अपने कस्टमर के लिए आ गई है। 2017 की मॉडल है, टॉप मॉडल गाड़ी है जी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, एलॉय व्हील्स, पुश बटन स्टार्ट जी। गाड़ी मतलब ऑल ओवर लेस है, कुछ करने का जरूरत या कुछ लेने के बाद एक्सपेंस करने का जरूरत नहीं है गाड़ी पे। गाड़ी में हल्का फुल्का किसी किसी पैनल में टचअप किया हुआ है, जो कि माइनर टचअप किया हुआ है, पेंट नहीं किया हुआ गाड़ी पे। अच्छा अच्छा। और मॉडल की बात करें मोंटिविया तो 2017, रांची नंबर रजिस्टर्ड गाड़ी है। ओनर की बात करें तो सेकंड ओनरशिप में गाड़ी है, सेकंड ओनर है जी। और मॉडल है 2017 जी। भाई गाड़ी एकदम मिंट कंडीशन में लग रही है, मुझे पसंद आ रही है, मुझे पसंद आ रही है। बताओ इनका फाइनल प्राइस मैं ही ले लूंगा क्या रहेगा? गाड़ी अगर फाइनल रेट की बात करें मोंटिविया तो इसमें हम लोग 6,80,000 में इस गाड़ी को छोड़ देंगे। 6,80,000 जी। लोन कितना करा दीजिएगा? 5,00,000 तक आराम से, प्रोफाइल अगर सही रहे तो आराम से लोन हो जाएगा। यानी 1,80,000 दीजिए और लेकर लेके जाइए। अब आ गए हैं व्हाइट कलर की हैरियर। लो भाई हैरियर भी आ गया एआर ऑटो डील में, बताइए सर टाटा की हैरियर। व्हाइट कलर की हैरियर XZ प्लस JS13 यानी कि चतरा नंबर रजिस्टर्ड गाड़ी है। एलॉय व्हील्स वगैरह इसमें सनरूफ छोड़ के बाकी सारा चीज भी आपको मिल जाएगा। ये टॉप मॉडल है या फिर बेस मॉडल है? ये टॉप मॉडल है, उस समय सनरूफ नहीं आती थी इस गाड़ी पे। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए इसमें सनरूफ नहीं है। तो आप देख सकते होंगे सीट कवर वगैरह एकदम मिंट कंडीशन में है और गाड़ी में एक भी स्क्रैच नहीं दिख रहा है, डेंट पेंट वगैरह कुछ ऐसा कुछ काम नहीं, कुछ एक्स्ट्रा जॉब नहीं किया हुआ है गाड़ी। अच्छा। तो ये है आपका 2019 की मॉडल, 19 की मॉडल, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और क्या डिमांड है सर? डिमांड आज हमारा इसमें रहने वाला है लगभग 11,50,000 रुपए का, जो कि लगभग फाइनल रेट है अपने व्यूअर्स के लिए। चलिए अब आते हैं स्ट्रॉम की तरफ, इसके बारे में बताइएगा। स्ट्रॉम बिल्कुल अभी मोंटिविया जैसा कि आप फिजिकली देख पा रहे होंगे बिल्कुल नई गाड़ी है, बिल्कुल नई गाड़ी, मैंने अभी चला के लाया। GX स्ट्रॉम VX यानी कि सबसे टॉप मॉडल गाड़ी है ये। किलोमीटर की बात करें तो 85,000 चली हुई गाड़ी है। अच्छा। और इंटीरियर वगैरह आप देख रहे होंगे, लेदर सीट कवर वगैरह सारा चीज, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम जी, और एलॉय व्हील्स वगैरह सारा चीज, मतलब गाड़ी में कुछ करने का या कुछ एक्सपेंस करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या डिमांड है सर इसका? डिमांड आज हमारा इसमें रहने वाला है भैया 6,90,000 रुपए का, जो कि ऑन टेबल थोड़ा मोड़ा 10-5,000 इधर उधर हो जाएगा। आप कंडीशन एक बार आके देखिए, आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। ओके। आ गए हैं सर नेक्स्ट XUV की तरफ, जो कि इसमें मैं देख रहा हूँ कि आफ्टर मार्केट एलॉय व्हील रिंग लगा हुआ है। आफ्टर मार्केट लगभग इसमें 1,00,000 के एलॉय व्हील्स और टायर लगे हुए हैं भैया। अच्छा अच्छा। J02 यानी कि हजारीबाग नंबर रजिस्टर्ड गाड़ी है। सेकेंड ओनरशिप में गाड़ी है ये भी, लेकिन बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में गाड़ी है। अच्छा। गाड़ी इसमें भी लेने के बाद कोई एक्सपेंस या कुछ खर्च करने का जरूरत नहीं है। ओके। और W8 यानी कि उस टाइम की टॉप मॉडल गाड़ी है। अभी W10 W11 आती है, लेकिन W8 उस टाइम पे टॉप मॉडल थी। क्या डिमांड है सर इसका? डिमांड आज हमारा इसमें रहने वाला है 4,80,000 रुपए का, 4,80,000 जो कि लगभग फाइनल रेट होगा। फाइनल है जी। भैया हम लोग अर्टिगा की तरफ, अर्टिगा J01 रांची नंबर 2022 की गाड़ी। अच्छा। 44,000 विद सर्विस रिकॉर्ड चली हुई गाड़ी, फुल ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है। अच्छा अच्छा। VXi है लेकिन ZXi वाली अलॉय व्हील कंपनी से लगी हुई है गाड़ी में। ओके। और इसमें भी लेने के बाद कोई एक्सपेंस या कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है भैया। गाड़ी आप जैसा देख ही पा रहे हैं 7-सीटर में ये गाड़ी आती है, काफी फैमिली में डिमांडिंग गाड़ी है जी जी। और जिनको अर्टिगा का नीड है वो बिल्कुल एक बार में आके गाड़ी को ले सकते हैं। तो क्या डिमांड होने वाला है सर इसका? डिमांड आज हम लोग ने इसमें रखा हुआ है 9,80,000 रुपए का, जो कि लगभग फाइनल रेट है। 9,80,000 जी। ओके। नेक्स्ट आ गए एक और सर, अर्टिगा ही है ना ये? XL6 है। अच्छा, XL6 है, सेम अर्टिगा है लेकिन इसमें कुछ थोड़ा मोड़ा लाइटिंग वगैरह और ग्रिल वगैरह सारा चीज चेंज किया हुआ है। तो ये गाड़ी सर हजारीबाग की है गाड़ी? जी, हजारीबाग की 2020 मॉडल। अच्छा। अल्फा है ये, जो कि टॉप मॉडल में आती है। अच्छा। XL6 में इससे टॉप मॉडल और कोई नहीं आती है। अच्छा अच्छा। किलोमीटर की बात करें तो 51,000 किलोमीटर चली हुई है, विथ सर्विस रिकॉर्ड इसमें भी आपको मिल जाएगा। गाड़ी फर्स्ट ओनरशिप में है, पूरी गाड़ी ओरिजिनल, फुल ओरिजिनल पेंट में। अच्छा। कहीं कहीं टचअप का काम करना है तो कस्टमर जब देख लेंगे तो उसको हम लोग करके उनके ये गाड़ी एक्चुअली में देखा जाए तो हजारीबाग की गाड़ी है जी, 02 हजारीबाग जी। क्या डिमांड है सर इसका? डिमांड आज हम लोगों ने इसमें रखा हुआ है भैया 8,70,000 रुपए का, जो कि ये भी फाइनल लगभग रेट। अच्छा। आइए आगे सर, बोलेरो J03 हमारे सर डाल्टनगंज की बोलेरो आज दिखाने वाला हूँ, बताइए भैया क्या डिटेल? J03 जैसा कि आपने बता ही दिया डाल्टनगंज नंबर गाड़ी, और गाड़ी ये भी बिल्कुल मिंट कंडीशन में है, स्क्रीन वगैरह आफ्टर मार्केट लगा हुआ है गाड़ी पे। गाड़ी में लेने के बाद इसमें भी कोई एक्सपेंस
करने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारा चीज किया हुआ है। बम्पर में आप जैसा कि देख रहे होंगे एबीएस गार्ड वगैरह सारा चीज लगा हुआ है, स्क्रीन वगैरह लगा हुआ है। मॉडल की बात करें मोंटेविया तो 2019 की मॉडल है, पावर प्लस SLX। जी जी, फर्स्ट ओनरशिप में ये भी गाड़ी है और गाड़ी की सबसे खास बात ये है कि 45,000 विद रिकॉर्ड चली हुई गाड़ी है। 45,000 किलोमीटर जी, वाह। बोलेरो में 45,000 मतलब ना के ही बराबर है वो। अच्छा जी, क्या डिमांड है सर? डिमांड आज हमारा इसमें रहने वाला है जो कि फाइनल रहेगा 6,90,000 रुपए। 6,90,000 जी। ओके, अब आते हैं i20 की तरफ, इसके बारे में बताइएगा सर। i20 आस्ट्रा J02 यानी कि हजारीबाग नंबर रजिस्टर्ड गाड़ी जी, 7300 VIP नंबर पे गाड़ी है। आस्ट्रा टॉप मॉडल गाड़ी है ये, और गाड़ी की किलोमीटर की बात करें तो 71 के आसपास चली हुई है गाड़ी जी। ओनर क्या रहेगा सर? ओनर ये थर्ड ओनरशिप में आएगा भैया, थर्ड ओनरशिप जी। पूरी गाड़ी के हिसाब से हम रेट भी देंगे गाड़ी का। पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट में? नहीं, कहीं कहीं टचअप किया हुआ है इसमें। भाई साहब थर्ड ओनर लग रही है लेकिन लग नहीं रही थर्ड ओनर है जी। क्या डिमांड है सर इसका? डिमांड आज हमारा इसमें रहने वाला है मोंटेविया 3,60,000 रुपए का। 3,60,000 जी, जो लेंगे भाई फोर्थ ओनर हो जाएंगे। i20 3,60,000 में इससे बेस्ट कंडीशन में आपको नहीं मिल रहा। रनिंग क्या आपने बताया सर? 71,000। ओके, अब आते हैं सर मिनी, ले जाओ भाई एकदम गुड कंडीशन में। गाड़ी का कंडीशन देखो आप, पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है। फुल ओरिजिनल पेंट, क्या बात है। कौन सी मॉडल की ईओन है? ईओन मैग्ना प्लस ए 09 यानी कि बोकारो नंबर रजिस्टर्ड गाड़ी है। अच्छा अच्छा, फर्स्ट ओनरशिप में ये भी गाड़ी है। गाड़ी लेने के बाद कोई एक्स्ट्रा एसेसरीज या पेंट या कुछ करने का नीड नहीं है। हाँ। आपको गाड़ी जब हम लोग AR ऑटो डील से आप गाड़ी लेते हैं तो आपको सारा सर्विस कंप्लीट करके दिया जाता है। वो तो है सर, एक रुपया खर्चा करने का जरूरत नहीं। बिल्कुल, बस चाबी मारी और चलिए। ओके, क्या डिमांड है सर इसका? डिमांड आज हमारा इसमें रहने वाला है मोंटेविया 2,80,000 रुपए का, जो कि ऑन टेबल थोड़ा मोड़ा नेगोशिएशन। मॉडल है ये? मॉडल 2018 में लास्ट, 19 भी आप बोल सकते हैं लेकिन 18 में लास्ट। ओके ओके ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं भाई साहब स्विफ्ट, एकदम मिंट कंडीशन में लग रही, झकझक आ रही है। बताइए सर इसके बारे में, कौन सी मॉडल है? J01 यानी कि रांची नंबर जी, सेकेंड ओनरशिप में गाड़ी है ये, 2016 की मॉडल है जी। और गाड़ी ये भी आप देख रहे हैं स्टिकर वगैरह सारा आफ्टर मार्केट ये लगा हुआ है। गाड़ी में इसमें भी लेने के बाद कोई एक्सपेंस करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, और रेट की बात करें मोंटेविया तो इसमें हमारा फाइनल रेट रहने वाला है 3,30,000 रुपए का। 3,30,000 2016 की मॉडल, आप स्विफ्ट कहीं भी पता करके देख सकते हैं। 3,30,000 और मॉडल है 2016 की है जी। तो भाई सस्ते रेट में मिल रही है, ले जाओ। ऑनर रहेगा सर? ऑनर सेकंड, सेकंड रहेगा। ओके, अब आते हैं सर एक और मारुति की गाड़ी जो बहुत से सरकारी आदमी लोग पसंद करते हैं इस गाड़ी को, बताइए सर। J02 यानी कि हजारीबाग नंबर रजिस्टर्ड गाड़ी है। जेन स्टीलो VXI है टॉप मॉडल, जिसमें आपको बैक में डिफॉगर, बैक वाइपर, म्यूजिक सिस्टम आपको इनबिल्ट मिलेगा, पावर विंडोज सारा चीज मतलब कंप्लीट है गाड़ी पे। गाड़ी इसमें भी लेने के बाद सर्विस वगैरह भी सब डन है गाड़ी का, अभी कुछ करना नहीं है गाड़ी को लेने के बाद। अच्छा, एलॉय व्हील्स वगैरह आपका इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है जी, जी। और रेट जो हम लोग इसमें देने वाले मोंटेविया वो काफी अट्रैक्टिव रेट देंगे जी सर, मात्र 1,30,000 दे देंगे गाड़ी। मात्र 1,30,000? मात्र 1,30,000। मॉडल आपने बताया? मॉडल 2010 में नवंबर की है, मतलब 10 लास्ट की है। ओके जी भैया, ये तो हमने दिखा लिया, अभी तो आपने ये जो गाड़ियों का कतार जो देख रहे हैं अभी राउंडिंग घूमे नहीं है, जेगवार भी दिखाएंगे आपको, वो भी कमाल की चीज है। आइए थोड़ा इको से स्टार्ट करते हैं, इको के तरफ से स्टार्ट करते हैं भैया, तो इसके बारे में क्या डिटेल होगा? इको पूरा मिंट कंडीशन लग रही है। मिंट कंडीशन में है भी, फुल ओरिजिनल पेंट में, बम्पर टू बम्पर, 2020 में लास्ट की गाड़ी है। अच्छा, फर्स्ट ओनरशिप में रांची नंबर, 45,000 के आसपास चली हुई है गाड़ी। ठीक है, और AC है, इको में एक नॉन AC आती है एक AC आती है, ये AC वाली गाड़ी है। अच्छा, AC वाली गाड़ी जी। और टायर्स वगैरह आप देख सकते हैं, चारों पांचों टायर्स आपको ब्रांड न्यू जैसे मिल जाएंगे। और पूरी ओरिजिनल में फ्रेश गाड़ी है। अच्छा, क्या डिमांड है सर इसका? प्राइस की बात करें तो हम फाइनल प्राइस को दे देंगे 4,15,000। 4,15,000 मॉडल है आपका ये? 2020 में लास्ट की गाड़ी, 2020 की, 4,15,000 जी। ऑनर फर्स्ट है, फर्स्ट ऑनर। आइए नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं सर, एक और आ गए है, ये i20 है क्या सर? i20 है जी। इसके बारे में क्या डिटेल होगा? 2018 की गाड़ी है ये, 64,000 चली हुई है। जैसा कि टायर्स आप देख सकते हैं, चारों टायर्स इसमें भी फ्रेश, ओरिजिनल पेंट, लेदर सीट कवर्स, एक रुपए का भी आपको इसमें कोई आफ्टर मार्केट कोई काम कराने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस आपको इसमें रनिंग मिल जाएगा। अच्छा, JS10 यानी कि धनबाद रजिस्ट्रेशन गाड़ी है और पूरी फ्रेश गाड़ी है, मिंट कंडीशन में, स्पोर्ट है, i20 की स्पोर्ट है। रनिंग किलोमीटर लगभग ये 60 के आसपास चली हुई है। ओनर? ऑनर ये सेकेंड ओनरशिप में। क्या डिमांड रहेगा सर?
ये प्राइस हम लोग का फाइनल प्राइस इसमें होगा 4,90,000 का। 4,90,000। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग, स्विफ्ट डिजायर है ना सर? जी स्विफ्ट डिजायर। इसके बारे में बताइएगा, पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है? फुल ओरिजिनल पेंट में, 2022 में लास्ट की गाड़ी है। अच्छा, 16,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड ये गाड़ी चली हुई है। 16,000 किलोमीटर चला हुआ। इंटीरियर देख सकते हैं आपको, सीट कवर वगैरह। स्टेपनी अभी तक इस गाड़ी का यूज भी नहीं हुआ। अच्छा। स्टेपनी एज इट इज जो शोरूम से हमको मिलता है वो रखा हुआ है। अच्छा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। आइए स्टेपनी, आइए आपको स्टेपनी दिखाते हैं थोड़ा। अभी तक यूज नहीं हुआ है? यूज भी नहीं हुआ। देखिए एकदम न्यू का न्यू रखा हुआ है। 2022 की लास्ट की गाड़ी, 16,000 विद सर्विस रिकॉर्ड ये गाड़ी चली हुई है। 16,000 चला हुआ है। जो नया लेना जा रहे हैं गाड़ी है जी, तो आप ये आकर के ले लो। सीट कवर वगैरह इंटीरियर वगैरह आपने देख लिया, आप शोरूम से लीजिए, मेरे पास से लीजिए, बात बराबर आपको पड़ेगा। क्या डिमांड है सर इसका? प्राइस हम लोग इसको अट्रैक्टिव प्राइस में दे देंगे, 6,70,000 हमारा प्राइस होगा इसमें। 6,70,000 जी, नहीं आप लेंगे तो आपको 10 के आसपास पड़ता है। 6,70,000, 16,000 नई गाड़ी ही है। अच्छा, फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनरशिप। ओके, अब आते हैं सर बलेनो। ये भी पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट में या डेंट पेंट वगैरह? कंप्लीट ओरिजिनल पेंट में, कोई डेंट पेंट इसमें अभी तक नहीं कराया गया। जैसे आप देख, जैसा स्क्रैच है वो हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया है। हाँ, कस्टमर आएंगे आप देख लेंगे, उसके बाद हम लोग करा के देंगे। तो क्या डिटेल होगा सर इसका? 2019 की गाड़ी है ये, फर्स्ट ओनर जेटा मॉडल है। इसमें तीन मॉडल आता है, चार मॉडल आता है, सिग्मा, जेटा, अल्फा, डेल्टा, ये सब। तो ये सेकेंड टॉप आप इसको बोल सकते हैं, जेटा है ये। अच्छा, और फर्स्ट ओनरशिप में 52,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है जी। डिमांड क्या रहेगा सर इसका? फाइनल प्राइस हमारा इसमें होगा 5,60,000 का। 5,60,000 जी। का लोन लमसम कितना करा दीजिएगा? लोन इसमें 5,00,000 के आसपास, बिल्कुल आराम से। अगर यानी कि तो 5,00,000 तक 60,000 देना और गाड़ी लेके जाना है जी। भाई बलेनो खोज रहे थे ना, सिविल अच्छा हो आ जाना, फाइल आपका अच्छा हो आप लेके चल जाना। अब आते हैं सर, एक और i20 लगी हुई है, क्या जानकारी रहेगी सर इसके बारे में? ये गाड़ी भी बहुत कम चली हुई है, 35,000 विद सर्विस रिकॉर्ड ये गाड़ी चली हुई है। आफ्टर मार्केट इसमें एम्बियंट लाइट वगैरह, बेस ट्यूब वगैरह सारा कुछ इसमें लोडेड है। आफ्टर मार्केट स्क्रीन आप देख सकते हैं, एंड्रॉइड स्क्रीन लगा हुआ है, इसमें स्क्रीन भी लगा हुआ है। सीट कवर वगैरह लगाने का जरूरत, चारों टायर ब्रांड न्यू, स्टेपनी इसका भी अनयूज्ड आपको मिलेगा। क्या बात है। चली हुई कितना किलोमीटर है? चली हुई है 35,000, 35,000 विद सर्विस रिकॉर्ड। अच्छा, क्या डिमांड रहेगा सर इसका? प्राइस हमारा इसमें फाइनल प्राइस होगा 5,15,000 का। 5,15,000 में 2019 की स्पोर्ट्स। okay. आप रेट कंपेयर कर लीजिए और उसके बाद आप गाड़ी आके लीजिए। आगे सर एक और क्रेटा, इसमें सनरूफ है क्या? नहीं, इसमें तो सनरूफ नहीं है, लेकिन झकझका रही है सर। पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है जी? पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट में, एक्सेप्ट बम्पर। कहीं बम्पर में माइनर, आपको सेकंड हैंड गाड़ी है, थोड़ा बहुत माइनर, एक भी स्क्रैच तो दिख नहीं रहा है। मैं क्या बताऊं, साइन दे रहा है गाड़ी। इंटीरियर मैं आपको थोड़ा दिखाने का कोशिश करूंगा, देख सकते हैं इंटीरियर काफी खूबसूरत है, सीट कवर वगैरह खास करके। तो ये कौन सी मॉडल की गाड़ी है सर? ये 2017 की है जी, और VIP नंबर है, फर्स्ट ओनरशिप गाड़ी है जी। सबसे बड़ी बात है कि डीजल में है और कम चली हुई गाड़ी है। डीजल में है, कम चली हुई जी, 60 के आसपास इसका किलोमीटर आपको मिलेगा। हाँ। और न्यूली सीट कवर वगैरह लगा है, चारों टायर आपको इसमें ब्रांड न्यू उसमें भी मिल जाएंगे। गाड़ी में एक रुपए का कोई काम आपको नहीं कराना, सारे ग्लास वेस वगैरह सारे ओरिजिनल है। किलोमीटर आपने क्या बताया सर? 60 के आसपास। और डीजल में माइलेज क्या दे देगी ये? माइलेज ये 20 प्लस या 20 से आसपास देगी। 18, हाँ 20 आराम से दे देगी। क्या डिमांड है सर ऑनर को देखते हुए? फर्स्ट ओनरशिप में, फर्स्ट ओनर है जी। अच्छा बताइए सर, क्या डिमांड? प्राइस की बात करें तो हमारा फाइनल प्राइस इसमें होगा 7,25,000 का। 7,25,000 2017 लास्ट की, 17 लास्ट की नंबर डीजल। कुछ नेगोशिएबल है भी है? ऑन टेबल थोड़ा बहुत स्लाइटली नेगोशिएबल हो जाएगा। चलिए क्या बात है। अब आते हैं सर एक और, कौन सी गाड़ी है ये? भी वरना है सर, वरना के बारे में बताइएगा। वरना 2016 की है, फर्स्ट ओनरशिप में ये भी गाड़ी। पेंट वगैरह सारे पूरी गाड़ी के ओरिजिनल है जी, कोई भी पैनल, एक भी पैनल आपको इसमें टचअप वगैरह नहीं मिलेगा। डीजल है ये, 1.6 टॉप मॉडल, अलॉय व्हील। अच्छा, टायर्स वगैरह इसमें भी फ्रेश है जी। इंश्योरेंस आपको इसमें मिलेगा जी, रनिंग इंश्योरेंस। और गाड़ी में किसी प्रकार कोई काम आपको नहीं है इसमें, कुछ भी काम नहीं, कोई भी काम नहीं, एक रुपए का भी नहीं, एक रुपए का भी कोई काम नहीं है। माइनर सर्विसिंग वगैरह वो हम लोग करा के। तो ये मॉडल है सर 2016 की गाड़ी, 16 की। वरना कौन सी? ये भी VIP नंबर है, 2007। वरना कौन सी वरना है ये? 1.6 SX है। अच्छा, क्या आस्किंग प्राइस होगा सर? फाइनल प्राइस हमारा इसमें होगा 5,40,000, 2016 की फर्स्ट ओनर गाड़ी। अच्छा, 5,40,000। तो अब जो आपको दिखाने वाला हूँ, जेगुआर जो कि ब्लैक कोबरा लगी हुई, भाई क्या डिटेल होगा सर? ये रांची में फर्स्ट है अभी गाड़ी? रांची में अभी फर्स्ट गाड़ी है। जैसा कि इसका लुक्स है और जैसा इसमें मॉडिफिकेशन कुछ कुछ बम्पर्स में किया हुआ है,
एलॉय व्हील्स वगैरह विद टायर जो 19 इंच के मिशलिन के टायर लगे हुए हैं, चारों ब्रांड न्यू टायर्स, फुली ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है। अच्छा, और सामने से देख सकते हैं जैसे अभी आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स वगैरह सारा चीज लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो ये सर बम्पर इतना तो नीचे रहता नहीं है इसका? ये आफ्टर मार्केट जो इसका साइड का नीचे वाला जो बिडिंग है वो आफ्टर मार्केट उसमें लगाया हुआ, इसीलिए जो इसका हाइट है वो कम आपको दिखता है। अच्छा अच्छा जी। और इसमें जो मैं आपको टायर दिखाता हूँ अभी, कितना इंच टायर है सर इसमें? ये 19 इंच के टायर है विथ मोमोज एलॉय। अच्छा। ये एलॉयज जो है मोंटेवियो, ये काफी एक्सपेंसिव एलॉयज आते हैं। अच्छा अच्छा। और जो टायर्स भी है वो भी काफी एक्सपेंसिव है। ओके, देख सकते हैं गाड़ी में कहीं भी आपको एक भी स्क्रेच नहीं दिखता होगा जी। पीछे से एक बार लुक दिखाते कि पीछे से कैसा दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं मोंटेवियो, ये डबल एग्जॉस्ट जो आपको दिख रहा है और ये बम्पर में जो ट्रिम्स दिख रहा है, ये XFR का किट लगा हुआ है इसमें। अच्छा, जो कि ये आपका वर्थ करता है 1.5 लाख रुपए का लगभग। क्या बात है भाई साहब। तो ये देख सकते हैं ये मॉडल है XF 2.2 डीजल। अच्छा, थोड़ा इंटीरियर देखते हैं हम लोग के इंटीरियर में क्या क्या है और थोड़ा आप डिटेल बताएंगे उधर से बैठ के। तो अभी आपको मैं इंटीरियर दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप गेट जैसे ही ओपन होता है आपका लेफ्ट साइड वाला, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना खूबसूरत बनाया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं लोगो आपको मिल जाएगा। तो क्या क्या है इसका स्टेयरिंग में थोड़ा ये बताएं डिटेल में। इंटीरियर जैसा आप देख पा रहे हैं मोंटेवियो, स्टेयरिंग में आपका सारा कंट्रोल्स दिया हुआ है, क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है। ये आप जैसे कैमरा में देख रहे होंगे, ये जो आपका है ये गियर है और ये आपका हैंड ब्रेक है जो कि सारा इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल होता है। इसका जो स्टेयरिंग है आप इसको भी अगर देखिएगा, यहाँ से वीडियो में आपको दिखेगा, मैं ऑन कर देता हूँ। ये तो इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग है ना? जी जी, इलेक्ट्रिक मोड वाला है। ये आप देख पा रहे होंगे अगर वहाँ से आपको दिख रहा है तो। अच्छा अच्छा, दिख रहा है। ये सारा एडजस्टिंग आपका जो भी दिया हुआ है सारा इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है। एसी वगैरह आप इसका ओपन अगर एसी करेंगे तो आप देखिएगा वेंट कैसे खुलेगा इसका। मैं स्टार्ट कर देता हूँ गाड़ी को। ओके, ये आप इसका एसी वेंट्स देख सकते हैं। मोंटेवियो काफी मतलब लग्जरियस गाड़ी है। आपका जो सीट्स है वो भी सारा इलेक्ट्रॉनिक ही है। कुछ लेने के बाद करने का जरूरत या इंटीरियर में कुछ खर्च करने का जरूरत, 8-10 एयरबैग दिए हुए हैं गाड़ी में, तो हर तरफ से आप सिक्योर है इस गाड़ी पे। मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे का आपको मैं सीट कवर वगैरह दिखाता हूँ। ये देखो है वाकई में चीज है। 70 मैट्स, सनरूफ जी। अब जब मैं ऑफ करूंगा तो आप इसको देखिएगा मोंटेवियो कैसे एडजस्ट होता है, ठीक है? ये आप देखिए गियर इसका, ये अंदर चला गया, एसी वेंट सारे ऑफ हो गए। क्या बात है। तो ये तो हमने देख लिया सर। अगर ओनर की बात करूँ तो सर ये कौन सी ओनर रहेगी? ओनर ये फर्स्ट है भैया। फर्स्ट है जी। चलो भाई, अक्सर मैंने सुना है सेकंड ओनर, थर्ड ओनर, और ये है ओनर, फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है, इंश्योर्ड गाड़ी है, 61,000 ओरिजिनल चली हुई गाड़ी है। अच्छा। आप गाड़ी का कंडीशन ऑल ओवर देख पा रहे होंगे वीडियो में भी या फिजिकली भी आप देखिएगा तो गाड़ी मतलब कहीं से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और 2016 की है जी। क्या है इसका मिनिमम डिमांड आपके पास? आज हम लोग ने इसका डिमांड रखा हुआ है भैया, यस और नो प्राइस जो होता है वो है 25 लाख रुपीज। 25 लाख रुपया? 25 लाख जी। लोन इसमें हो जाएगा? लोन बिल्कुल आराम से हो जाएगा। कुछ नेगोशिएबल भी हमारे भाइयों लोग के लिए? ऑन टेबल मान सम्मान थोड़ा मोड़ा किया जाएगा, लेकिन इसमें 1-2,50,000 रुपया इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं होता है, किसी भी गाड़ी पे नहीं होता। अच्छा अच्छा जी। तो अगर आप एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा कम बेसी हो जाएगा तो वो सब नहीं होगा। 10-5 इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका बहुत ज्यादा कम नहीं किया जाएगा जी। तो 25 लाख-25 लाख में मिलेगा। लोन वगैरह का सुविधा? लोन हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इंश्योरेंस वगैरह सब कंप्लीट है? इंश्योरेंस वगैरह कंप्लीट, थर्ड पार्टी अभी इसमें इंश्योरेंस रनिंग है, जो लेंगे उनको फर्स्ट पार्टी करके दे दिया जाएगा। अच्छा जी। तो ये 25 लाख में कुछ बैठने के बाद भी है या फिर ये फाइनल? ये यस और नो प्राइस है भैया। अच्छा, 25 हाँ या ना आपका ऊपर डिसीजन है वो। हाँ। आप गाड़ी का कंडीशन आके देखिए, उसके बाद आप। तो देखा ये इतनी सारी गाड़ी जो लगी हुई है ये सब मिलेगा आपको AR ऑटो डील में। आते थोड़ा फाइनेंस फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। फाइनेंस फैसिलिटी तो आप ऑल ओवर इंडिया दे रहे हो ना? बिल्कुल, पैन इंडिया हमारा फाइनेंस अवेलेबल है। और आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप एक बार शोरूम विजिट करिए। अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो शोरूम विजिट करके आप इजीली गाड़ी परचेज कर सकते हैं जी। एड्रेस है आपका सर? एड्रेस हमारा हुआ रातू चट्टी, अपोजिट आदिवासी स्कूल। ज्यादा इजीली पहुंचने के लिए हमारे पास आप गूगल मैप के थ्रू भी पहुंच सकते हैं और कॉल करके भी पहुंच सकते हैं आप। अच्छा जी। ओके, तो आइए, मोस्ट वेलकम है। और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। और एक चीज़ मैं आप लोग हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
आप लोग कॉल पे फोटो वगैरह मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, वीडियो में लाइव दिखा दिया गया है। ऐसा नहीं कि कॉल पे आप डिटेल ले रहे हो फिर आपको मिल नहीं पाएगा, फिर फोन रिसीव नहीं होगा, बोलेंगे भाई डीलर फोन नहीं उठा रहे। अगर आप लेने का मन बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट शोरूम आइए, आपका गाड़ी रखा हुआ आप ले सकते हैं। और एक बात बता दे रहे, अगर आप पूछ रहे हैं तो हो सकता है गाड़ी रहे तो आपको बता दिया जाएगा कि गाड़ी है, और नहीं है तो फिर सेल हो गया। तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि शोरूम आइए, विजिट करिए, उसके बाद तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, खुश रहे एंड सेफ रहे, सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।